कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा और रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका लग गया है और उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। बीकानेर जमीन घोटाले मामले में उन पर ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की और ईडी के मुताबिक और उनकी तकरीबन 4.5 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर ली गई है। ये संपत्तियां उनकी कंपनी मैसर्स इकाई स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड व अन्य की है। ईडी के हवाले से जब्त की गई संपत्तियों में 4 लोगों की 18,59,500 रुपए की चल संपत्तियां और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी मैसर्स स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली 4,43,36,550 रुपए कीमत वाली नई दिल्ली के 268 सुखदेव विहार स्थित एक अचल संपत्ति शामिल है। तो ये रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका है बीकानेर लैंड डील के मामले में।